हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का हमारे न्यू ब्लॉग्स में। हम लोग गांव से हैं और आप लोग को गांव की हर एक चीज दिखने को मिलेगी यहां पे। फिलहाल तो इस ब्लॉग में इस टाइम हम लोग जा रहे हैं खेत। देखिए यहां पर चावल का खेती हुआ हो रखा है, वही धान। यहां पर धान बोलते हैं जो उसमें जब बड़ा होता है, जब तो फसल होता है, कटाई वटाई होती है, उसमें चावल निकलता है। ठीक है, हम लोग चार जन हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लगा हुआ है खेती। नहीं अबे नहीं, समय आ गया। तो जाएंगे खेत की सिंचाई करने के लिए नहर में से। उधर नहर है और इधर सामने हमारा खेत है, तो वहीं पर जा रहे हैं फिलहाल हम लोग। और दिखाएंगे आप लोग को कैसे गांव में खेती की सिंचाई होती है। रोहित बोलो कुछ बोलो। हाय गाइस, अभी हम लोग खेत की तरफ जा रहे हैं, जो अभी आप लोगों को दिखाएंगे कि खेत गांव में। आवाज़ जा रही है ना? हाँ जा रही है, तुम बोलो बस। देखिए उधर, हाँ बोल। पानी की कमी से यहाँ पे खेती नहीं हो पाई है। ये पानी बहा गाइस, बहुत इधर बारिश कम हो रही है और नहर में भी पानी नहीं है। उधर देखिए गाइस, बहुत बड़ा जैसे तालाब बोले यहाँ हमारे गांव में, उसे ताल बोलते हैं। ताल आप लोग का गांव की हर एक छोटी छोटी चीज इसमें जानने को मिलेगी। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए वहाँ पर भैंस अभी पास से दिखाएंगे, फिर अगले वीडियो में। फिलहाल तो अभी जा रहे हैं खेत। भैंस को भोजपुरी में बोलते हैं भैंस चरावतन हो जाए। गाइस तो चल के दिखा रहे हैं। इसका लीजिए ना, इसका ये वाला ये हमारे तरफ घास हुआ है, बहुत अच्छी वाली। फिलहाल यही हुआ है, धान से तो उम्मीद ही नहीं है क्योंकि बारिश नहीं हो पा रही है यहाँ पे। इस साल बारिश बहुत कम हुई है। देखिए हमारे गांव में ऐसे खेतों में रख रख कर गोबर, भैंस का गोबर जो होता है, खाद बनाया जाता है, उसकी नेचुरल चीज, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं उससे। देखिए ये पानी जा रहा है, देखिए यहाँ से पानी जा रहा है, लगता है खेत में नहर से पानी आ रहा है और खेत में जा रहा है। तो बने रहिए, अभी चलते हैं अपने खेत। रोहित बोलो कुछ। अभी इधर तो थोड़ा लग रहा है पानी कहीं से आ रहा है, लोगों ने कहीं से व्यवस्था कर ली है, तो इधर के धान भी अच्छे हैं। देखिए इधर के धान भी अच्छे हैं, ये हरे भरे हैं, अपने खेत दिखा रहे हैं भाई। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा आप। गाइस हम लोग आ गए हैं टाइम खेत पे, तो देखिए वहाँ नहर है। ठीक, वहाँ नहर से पानी आ रही है और हमारा खेत है ये। पानी अभी फ़िलहाल तो नहीं जा रहा है, किसी और का जा रहा है पानी, किसी और के खेत में। और अभी आओ, तो पानी अभी इस खेत के लिए हम लोग को नहीं मिला। देखा जाए रात वत में, रात में शायद खेत में पानी ले जाने को मिल जाए। देखिए जा रहा है ठीक यहाँ से, और ये नहर है, नहर में से पानी जाता है। देखिए यहाँ से आगे बन रही है, एक और खेत है, वहाँ लेकर चलते हैं आप लोग को। ये गाइस चार जन एक खेत के लिए चार जन जा रहे हैं। खेत के लिए पानी नहीं मिला है और सामने वाले मार होगा, शाम तक मार हो जाएगा। आज चीर देंगे
पानी कई दिन से नहीं मिल रहा है गाइस खेत में सिंचाई करने के लिए। बोले रात को अगर रात में नहीं जाएगा तो मार होगा। इधर देखिए पूरा हो रहा है, हमारी खेत में पानी जाइए, हमारी खेत में पानी जाइए। ठीक है तो बोले भैया हमार जाइए दूसरे वाले खेत पर, आपको ले चलते हैं। ठीक है सॉरी गाइस, जल्दी जल्दी में मैं खेत में चला आया, खेत में कहाँ से पानी जाता है ये नहीं दिखाया आपको। ठीक है तो बंदर भैया जा रहे हैं उधर, पर तो पानी भी आया नहीं है, तो हल्का हल्का आ रहा था। इस खेत में पानी आ चुका है, देख सकते हैं आप। तो जा रहे हैं जहाँ नहर से पाइप लगी हुई है वहाँ पे। ठीक है ये नहर है और वहाँ पर है पाइप लगी हुई, देखिए ये हमारा खेत है और ये पास में नहर है, ये खेत है हमारा और ये नहर है। तो जा रहे हैं दिखा रहे हैं अभी आपको, कोई पानी खोल दे रहा है खेत में से हमारे। तो गाइस हम मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, यहाँ पर पाइप लगी हुई है। ठीक यहाँ से पानी जाता है इस खेत में और ये भी खेत, दोनों एक ही है लेकिन पहले इसमें जाएगा, ये थोड़ा है अच्छा नहीं हुआ है, पहले पानी इसमें जाएगा, थोड़ा थोड़ा हो जा रहा है। और यहाँ पर मोबाइल लागे रख चाहिए हमारा हटवा यहाँ पर पाइप लगा हुआ है, पूछ ले तो नहीं भौजी से खोले ना खोले जा रहा, पानी बहुत हल्का हल्का आ रहा है गाइस। हाँ चल खोल दे जा रहा है, सब लोग पानी खेत में सिंचाई करते हुए देख सकते हैं आप। जाएगा मेरा भी जाएगा पानी और रहिए। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में, ठीक आज के लिए इतना ही, बाय।